भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तथा हरतालिका तीज का व्रत आपके लिए जो है सभी इच्छाओं को परिपूर्ण करने वाला सिद्ध हो। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जिस दिन हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया हो, उस दिन हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। हरतालिका तीज सौभाग्यवती महिलाओं के लिए, कुंवारी कन्याओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए तथा अन्य सभी महिलाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हरतालिका तीज अखंड सौभाग्य को देने वाला व्रत माना गया है तथा पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को किया जाता है और कुंवारी कन्याएं इस जन्म में उत्तम पति की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है तथा विधवा महिलाएं अगले जन्म में अच्छे पति की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है और अन्य सभी महिलाएं अपने दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए तथा जीवन में अच्छे पति की प्राप्ति के लिए और जन्म जन्मांतर तक उत्तम पति की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है। पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत किया जाता है और अखंड सौभाग्य को देने वाला यह व्रत होता है। महिलाओं के जीवन का दुर्भाग्य इस व्रत को करने से समाप्त हो जाता है। सभी महिलाओं को इस व्रत को करना चाहिए तथा व्रत करने से पहले इसके नियम भी जान लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप व्रत करने जा रहे हैं और आप संपूर्ण विधि विधान से और नियम से व्रत का पालन नहीं करेंगे तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि धर्म ग्रंथों और पुराणों में प्रत्येक व्रत के अलग अलग नियम तथा उसके महत्व बताए गए हैं। तो आप हरतालिका तीज का यदि व्रत करने का सोच रहे हैं या पहली बार करने का सोच रहे हैं तो आप इस वर्ष पहली बार हरतालिका तीज व्रत कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई संशय नहीं है। कुछ लोगों में ये धारणा है कि अधिक मास आता है तो उस साल व्रत नहीं करना चाहिए या अन्य कई प्रकार की धारणाएं लोगों में जनमानस में प्रचलित है, लेकिन हम आपको स्पष्ट कर दें कि व्रत का प्रारंभ आप हरतालिका तीज के दिन अवश्य ही कर सकते हैं, लेकिन आपको इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। निरंतर 12 वर्षों तक उन्होंने कठोर तप करके भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त किया था। तो यदि आप भी इस व्रत को करने जा रहे हैं तो इस बार 21 अगस्त 2020 शुक्रवार को हरतालिका तीज का महापर्व रहेगा और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि इसी दिन रहेगी। तृतीया तिथि का प्रारंभ 20 और 21 अगस्त की रात्रि 2:18 से होगा, जो कि 21 और 22 अगस्त की रात्रि 1:58 तक तृतीया तिथि रहेगी। वहीं हस्त नक्षत्र चूंकि 21 अगस्त की रात्रि 9:33 से 22 अगस्त की रात्रि जो है शाम को यानी 7:15 तक रहेगा, तो हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया का यदि व्रत करना है तो 21 अगस्त 2020 शुक्रवार को ही करना है और इस दिन सौभाग्यवती महिलाओं को, कुंवारी कन्याओं को, विधवा महिलाओं को या अन्य सभी महिलाओं को इन नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यदि आप व्रत करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उठ करके स्नान कर लेना चाहिए। वैसे तो इस व्रत में जो है सूर्योदय से पहले आप सर्गी प्राप्त कर सकते हैं। सर्गी का अर्थ होता है कि सास ससुर या माता पिता या बड़े बुजुर्गों के द्वारा आशीर्वाद रूप में सौभाग्य की वस्तुएं तथा मिठाई फल इत्यादि प्राप्त होते हैं और सूर्योदय से पहले इन सभी वस्तुओं को आप जो है ग्रहण करें, यानी सौभाग्य की जो वस्तुएं दी जाती है उनको धारण करना चाहिए तथा मिठाई फल का ग्रहण जो है आशीर्वाद स्वरूप में करना चाहिए और माता पिता का या सास ससुर का या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के इस व्रत का प्रारंभ सूर्योदय से
करना चाहिए। यह व्रत 21 तारीख के सूर्योदय से प्रारंभ होकर के 22 तारीख के सूर्योदय तक निरंतर रहेगा, यानी 24 घंटे की कठोर तपस्या इस व्रत में आपको करनी होगी। इसलिए इस व्रत में सर्गी का विधान है, क्योंकि सूर्योदय के पहले पहले आप मिठाई और फल का सेवन इसमें कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई संशय नहीं है। जैसे ही सूर्योदय होगा उसके पहले आपको स्नान करके और सभी सौभाग्य की वस्तुओं को धारण करके आपको सबसे पहले संकल्प करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप व्रत का संकल्प नहीं करेंगे तब तक आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। कोई लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि संकल्प करने की बार बार क्या आवश्यकता होती है, क्योंकि संकल्प के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती है। तो इसलिए आप सबसे पहले व्रत का संकल्प करें, हाथ में जल लेकर के, सुपारी लेकर के, पुष्प लेकर के तथा बिल्व पत्र रख करके संकल्प धारण करें, 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करें और कहे कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी हरतालिका तीज का व्रत करने जा रही हूं या करने जा रहा हूं, और उसके बाद अपना नाम गोत्र का उच्चारण करें तथा भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे भोले बाबा, हे माता पार्वती, मेरे जीवन की समस्त मनोकामनाओं को आप पूर्ण करना, मेरे पति को लंबी आयु प्रदान करना, मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करवाना या मन वांछित पति की प्राप्ति करवाना या जन्म जन्मांतर तक उत्तम पति की प्राप्ति हो और जीवन से दुर्भाग्य समाप्त हो जाए। इस प्रकार संकल्प करके आप भगवान के सामने उस संकल्प को अर्पण कर दीजिएगा। उसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही व्रत प्रारंभ होता है उसके बाद से लेकर के अगले दिन सुबह तक आपको ध्यान रखना चाहिए कि काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। इस व्रत में काले कपड़े पहनना निषेध माना गया है। इस व्रत में आप पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, लाल वस्त्र भी आप पहन सकते हैं, इसके अलावा सफेद या नीले या हरे कपड़े भी आप इसमें पहन सकते हैं। हरे कपड़े या हरी चूड़ियां इसमें सर्वोत्तम मानी गई है। इसके अलावा महिलाओं को मेहंदी लगा करके, महावर लगा करके और यदि विवाहित महिलाएं हैं तो मांग में सिंदूर भर करके तथा उनको जो है गले में मंगलसूत्र, पांव में पायल, हाथ में चूड़ियां और अन्य सभी श्रृंगारों को धारण करके ही इस व्रत का पालन करना चाहिए तथा कुमारी कन्याओं को भी, सौभाग्यवती महिलाएं जो आभूषण धारण करती है जैसे मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर भरना और पांव में बिछिया पहनना, इनको छोड़ करके अन्य सभी श्रृंगार धारण करके इस व्रत का पालन करना चाहिए। और जो विधवा महिलाएं होती है वो सामान्य तौर से जो है अपने वस्त्र धारण करके शालीन वस्त्रों में इस व्रत का पालन करें। हरतालिका तीज के दिन शरीर के किसी भी अंग के बाल नहीं कटना चाहिए तथा इस दिन ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए तथा बड़े बुजुर्गों का, साधु संतों का, माता पिता का या फिर देवी देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए और इनकी बुराई भी नहीं करना चाहिए, शास्त्रों का अनादर नहीं करना चाहिए। और इस दिन आपको विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि सूर्योदय से पूर्व आपको उठ जाना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए और इस दिन पूरे दिन भगवान का स्मरण करते हुए आपको निर्जला निराहार इस व्रत को करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन सौभाग्यवती महिलाओं को तथा अन्य सभी महिलाओं को क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए और रात्रि में इस दिन सोना नहीं चाहिए। जो महिलाएं इस रात्रि में सोती है उनको अगले जन्म में अजगर का जन्म लेना पड़ता है, ऐसा धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है। और इस दिन बुजुर्गों का, अपने घर के बड़े लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी भी प्राणी का दिल इस दिन नहीं दुखाना चाहिए। और इस व्रत में निर्जला व्रत किया जाता है, यानी सूर्योदय से लेकर के अगले सूर्योदय तक पानी भी नहीं पिया जाता है, यानी 21 तारीख को जब सूर्योदय होगा तब से आपको जल का त्याग करना होगा, जो कि 22 तारीख के सूर्योदय तक आपको जल का पूर्णतः परित्याग करना चाहिए तथा इस व्रत में दूध नहीं पिया जाता है। जो महिलाएं इस व्रत में दूध पीती है उनको अगले जन्म में नागिन या बिल्ली बनना पड़ता है, ऐसा धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में बताया हुआ है। और इस व्रत में मिठाई भी नहीं खाना चाहिए,
जो मावे की मिठाई या अन्य कोई भी मीठी वस्तु खाती है उन महिलाओं को अगले जन्म में चींटी बनना पड़ता है या मक्खी बनना पड़ता है। और इस व्रत में फल नहीं खाए जाते हैं। जो महिलाएं इस व्रत में फल खाती है उनको अगले जन्म में वानरी या बंदर बनना पड़ता है। और इस व्रत में मांस मदिरा से दूरी बना करके रखना चाहिए। और इस दिन लहसुन प्याज का भी बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं इस व्रत में मांस का सेवन करती है उनको अगले जन्म में शेरनी बनना पड़ता है। तो इस प्रकार इस व्रत में न तो कोई फलाहार किया जाता है, न ही जल पिया जाता है, न ही दूध पिया जाता है और रात्रि में सोया भी नहीं जाया जाता है। और इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को पूर्णतः करना चाहिए। प्रातःकाल एक बार पूजन करके कथा का श्रवण करना चाहिए। सामान्य तौर से आपको इसका पूजन एक बार प्रातः काल या दोपहर में भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही शाम को प्रदोष काल हो, प्रदोष काल का अर्थ होता है कि शाम को सूर्यास्त के 1.5 घंटे पहले से इसका जो है पूजन आपको आरंभ कर देना चाहिए। और यदि आप 4 प्रहर का पूजन करते हैं, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर पूजन करने की अलग अलग परंपरा या विधान बताए गए हैं। वैसे तो इसमें मिट्टी काली मिट्टी के शिवलिंग और माता पार्वती तथा गौरी गणेश बना करके उनका पूजन भी किया जाता है। इसके अलावा बालू रेती के शिवलिंग केले के पत्ते के ऊपर बना करके ऊपर फुलेरा या अच्छी प्रकार से जो है केले के खंभों से सुंदर मंडप बना करके सजा करके और भगवान शिव जी का जो कि बालू रेती के आपने बनाए हैं उनका पूजन करना चाहिए। इस व्रत में मुख्य रूप से 4 प्रहर का पूजन किया जाता है। पहले प्रहर का पूजन प्रारंभ होगा शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक पहले प्रहर का प्रारंभ होगा। उसके बाद दूसरा प्रहर होगा रात्रि 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक दूसरा प्रहर होगा। उसके पश्चात रात्रि 12 से 3 का जो होगा तीसरा प्रहर होगा और उसके बाद चौथा प्रहर जो कि 3 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक रहेगा। यह पूजन कार्य आपको 21 और 22 की रात्रि में करना चाहिए तथा आपको प्रत्येक प्रहर के पूजन में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती गौरी गणेश का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले उनको जल चढ़ाया जाता है। 4 बार जल चढ़ाने के बाद उनको पंचामृत चढ़ाया जाता है। पंचामृत का अर्थ होता है दूध दही शहद शक्कर और घी। इन वस्तुओं को अलग अलग आप चढ़ा सकते हैं या एक साथ भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद शुद्ध जल भगवान को चढ़ाया जाता है। उसके पश्चात भगवान को कलावा या मोनी या फिर रक्षा सूत्र चढ़ाया जाता है। उसके पश्चात भगवान भोले बाबा और गणेश जी को जनेऊ जोड़ा चढ़ाया जाता है जिसे यज्ञोपवीत भी कहा जाता है। प्रत्येक वस्तुओं को समर्पण करते समय आपको ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद आप भोले बाबा को तथा अन्य समस्त देवी देवताओं को चंदन चढ़ाएं और भोले बाबा को छोड़ करके और गौरी और गणेश जी को कुमकुम चढ़ाएं तथा सभी देवताओं को अक्षत यानी चावल चढ़ाएं। अक्षत टूटे फूटे नहीं होना चाहिए और भोले बाबा को जो अक्षत चढ़ाए जाते हैं उन्हें गीले करके पानी में भिगो करके चढ़ाना चाहिए। उसके बाद भोले बाबा को बिल्व पत्र अकव्वा यानी आंकड़ा के पुष्प धतूरा के पुष्प धतूरा के फल शमी पत्र भांग और भस्म तथा इत्र भी अर्पित की जाती है। उसके बाद सभी प्रकार के पुष्प आदि अर्पण करने के बाद उनको सौभाग्य द्रव्य जैसे अबीर गुलाल सभी देवताओं को चढ़ाया जाता है। इसके अलावा अन्य देवताओं को जो है सिंदूर कुमकुम और हल्दी मेहंदी भी चढ़ाई जाती है। भोले बाबा को सिंदूर कुमकुम हल्दी मेहंदी नहीं चढ़ाए जाते हैं क्योंकि उनके साथ माता पार्वती और गणेश जी भी रहते हैं, इसलिए अन्य सौभाग्य की वस्तुओं उनको चढ़ाई जाती है। इसके अलावा माता पार्वती के निमित्त आपको साड़ी चढ़ाना चाहिए, ब्लाउज चढ़ाना चाहिए, पेटीकोट का वस्त्र या पेटीकोट आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मंगलसूत्र बिछिया पायल इत्यादि जो सौभाग्य की वस्तुएं होती है सिंदूर और माथे पे लगाने वाली बिंदिया भी उनको अर्पित की जाती है। समस्त सौभाग्य द्रव्य अर्पण करने के बाद उनको धूप और दीप दिखाया जाता है। धूप दीप दिखाने के बाद
हाथ धो करके उनके सामने नैवेद्य रखा जाता है। नैवेद्य में आप मावे की मिठाई उनको चढ़ा सकते हैं, इसके अलावा फल का भी उनको भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही पंचामृत का भोग या पंचमेवा का भोग भी आप उनको लगा सकते हैं। तो इन सब वस्तुओं का भोग जब आप उनके सामने रखें तो उसके ऊपर बिल्व पत्र रख करके जल फेरे तथा उनसे प्रार्थना करें। उसके बाद आपको भगवान भोले बाबा के सामने अखंड श्रीफल यानी नारियल चढ़ाना चाहिए। नारियल के ऊपर दक्षिणा रख करके और उनको अर्पण की जाती है। लौंग, इलायची, पान, सुपारी भगवान को चढ़ाया जाता है तथा उनकी आरती उतारी जाती है। और आरती करने से पहले कथा श्रवण की जाती है। कथा का श्रवण ब्राह्मण के मुख से करना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण नहीं मिले तो जो ब्राह्मण आपको कथा सुना सके उनके मुखारविंद से आप कथा सुन सकते हैं। हमारे द्वारा भी आपको कथा सुनाई जाएगी, उसको आप जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक उस कथा को पहुंचाइएगा। तो इस प्रकार आपको हरतालिका तीज का व्रत का संपूर्ण पालन करना चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत का जो पारणा किया जाता है वो अगले दिन प्रातः काल सूर्योदय होने के बाद करना चाहिए। पारणा आप फल से कर सकते हैं, जल से कर सकते हैं या फिर आप भोजन करके भी पारणा कर सकते हैं। क्योंकि आपको अगले दिन यदि चतुर्थी का व्रत करना होता है तो आप फलाहार या मिठाई से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। इस प्रकार यदि आप संपूर्ण विधि विधान से इस व्रत का पालन करेंगे तो निश्चय ही भोले बाबा तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकेगा और आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। यदि आप इस प्रकार से व्रत करते हैं तो निश्चित तौर से आपके जीवन के कष्ट और संकट भी समाप्त हो जाएंगे और आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा, आपको अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त हो जाएगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।